केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आज एंटीलिया केस महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे आरोप का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी खेला हो रहा है, जो हो रहा है वो विकास नहीं वसूली है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार वसूली की वसूली द्वारा और वसूली के लिए है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन के घटक दल नहीं जानते कि राज्य में क्या हो रहा है, सरकार कौन चला रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी पुलिस कमिश्नर ने लिखा कि राज्य के गृह मंत्री ने मुंबई से 100 करोड़ रुपए महीना वसूली का टारगेट तय किया है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कैविएट दाखिल कर दिया है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव से जुड़ी सुनवाई के दौरान उनका पक्ष भी सुना जाए। बता दें कि यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण सूची को लेकर हाईकोर्ट की फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 2015 के नियम के अनुसार ही आरक्षण को लागू करने की व्यवस्था की थी। वही तमिलनाडु के नागापट्टिनम विधानसभा क्षेत्र से AIADMK ने थांगा काथिरा वन को चुनावी मैदान में उतारा है। वो अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार के लिए निकले तो नागौर इलाके में उन्होंने एक महिला के घर के बाहर परिवार के कपड़े धोते देखा। थांगा काथिरा वन ने उस महिला से कपड़ों का ढेर लेकर खुद धोना शुरू कर दिया। फरीदाबाद के चर्चित निकिता तोमर हत्याकांड केस में अदालत की सुनवाई पूरी हो गई है। आज अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। अदालत तय करेगी कि निकिता तोमर की हत्या में गिरफ्तार आरोपी तौसीफ रेहान और अजरुद्दीन दोषी हैं या नहीं। दरअसल 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के वल्लभगढ़ में निकिता तोमर की कॉलेज के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि तौसीफ नामक युवक ने उसे गोली मारी थी। उसके साथ रेहान नामक लड़का और मौजूद था, जबकि अजरुद्दीन ने तौसीफ को हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार उपलब्ध कराया था। वही बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 20वें दिन पुलिस अधिनियम बिल 2021 के विरोध में जबरदस्त हंगामा हुआ, जहां चार बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा को उनके ही चैम्बर में बंधक बना दिया। इतना ही नहीं, इस दौरान DM और SSP के साथ धक्का मुक्की भी की गयी। चैम्बर के पास विपक्ष के विधायक पुलिस कर्मी से भी भिड़ गए। इसके बाद एक एक कर विपक्ष की विधायकों को सुरक्षा कर्मी बाहर फेंकने लगे। गुजरात के सूरत शहर में मंगलवार को दीवार धसने के बाद 4 मजदूरों की मलबे में दबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक यहां के मोटा वराछा इलाके में एक बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। खुदाई के दौरान पार्किंग की दीवार ढहने से मलबे में 8 मजदूर दब गए थे, जिनमें से 4 के शव निकाल लिए गए हैं। अब भी अन्य 4 मजदूर वहां दबे हुए हैं। यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर दीवार के पास ही नाली के लिए खुदाई कर रहे थे। बिहार में लखीसराय के कचरा गांव में 5 से 7 साल की बच्चियों को चॉकलेट का लालच देकर रेप किए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी की उम्र 50 साल है। वो अपनी दुकान पर बच्चियों को बुलाकर उनके साथ घिनौनी हरकत करता था। पीड़ित परिवार की शिकायत पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति की जाँच भी करवा रही है। वही लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को ज्यादा और ग्राहकों को थोड़ी राहत दे दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि मोरेटोरियम की अवधि 31 अगस्त से ज्यादा
बढ़ाई नहीं जा सकती, ना ही मोरेटोरियम अवधि के दौरान ब्याज पर ब्याज दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बैंक ने ब्याज पर ब्याज वसूला है तो वो लौटाना होगा। वही सूरत सिविल हॉस्पिटल के कोविड वार्ड में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहाँ एक महिला प्यासी तड़पती रही, सांस फूल रही थी, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं था। देवर को वीडियो कॉल करके मदद की गुहार लगाई इस महिला ने। इसके बाद परिवार वालों ने हॉस्पिटल में डॉक्टर से लेकर वार्ड के कर्मचारी तक को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन तक नहीं उठाया। अगले दिन सुबह 20 मार्च को महिला को मृत घोषित कर दिया गया। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शेख हसीना की हत्या की साजिश रचने के आरोप में 14 आतंकियों को मौत की सजा सुनाई है। सभी दोषी प्रतिबंधित हरकत उल जिहाद बांग्लादेश के सदस्य हैं। देश में अधिक कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित राज्यों से होली पर उत्तर प्रदेश में अपने घर आने वालों को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करना होगा। ऐसे में हर व्यक्ति को कोरोना की जांच करानी होगी, साथ ही उसकी रिपोर्ट आने तक उसे घर में ही रहना होगा। रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने होली से पहले फिर खुशखबरी दी है। खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और दिल्ली को इससे सीधा सीधा फायदा होगा। होली से पहले रेलवे ने एक बार फिर कई होली स्पेशल ट्रेनों की सूची अब जारी कर दी है। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से हजारों यात्रियों को रोजाना घर आने जाने में सुविधा होगी। सरकार से शांति वार्ता की पेशकश के बाद छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों ने गश्त से लौट रहे डीआरजी जवानों की बस को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया। बस में 25 जवान सवार थे। इस हमले में ड्राइवर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 7 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। मेदिनीपुर की कुल 16 विधानसभा सीटों पर पहले 27 मार्च और दूसरे चरण यानी कि 1 अप्रैल में वोट डाले जाएंगे। इस जिले की नंदीग्राम सीट पर पूरे देश की निगाहें लगी हैं, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सुवेंदु अधिकारी चुनौती दे रहे हैं। अधिकारी परिवार का जिले में काफी रसूख है, यही वजह है कि नंदीग्राम समेत जिले की सभी सीटों पर भाजपा सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस को कड़ी चुनौती पेश कर रही है। भारत ने इंग्लैंड को पुणे के एमसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में 66 रन से हराकर जीत की शुरुआत की है। टीम ने पहले खेलते हुए इंग्लैंड को 318 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में इंग्लैंड की टीम 251 रन ही बना सकी। कोरोना महामारी दिल्ली में फिर से विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। दिल्ली में करीब 3 महीने से भी अधिक समय बाद मंगलवार को एक बार फिर कोरोना के 1100 से अधिक नए मरीज मिलने के बाद यहां संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 6.49 लाख के पार पहुँच गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति के बाद अब बलिया नगर के विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को लाउडस्पीकर से होने वाली अजान से परेशानी हो रही है। मंत्री ने मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर पाबंदी लगाने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। वही जेल में बंद आरटीआई कार्यकर्ता और नवगठित रेजर दल के अध्यक्ष अखिल गगोई ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उन्हें एनआईए द्वारा 20 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा गया है।
वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों की एक लिस्ट और जारी कर दी है। बीजेपी के इस लिस्ट के बाद मिथुन चक्रवर्ती के चुनाव लड़ने की अटकलों पर विराम लग गया है, क्योंकि जिस सीट से मिथुन चक्रवर्ती को उतारने की चर्चा थी वहां के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की राज बिहारी सीट के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साह को मैदान में उतार दिया है। एक और सीट काशीपुर बेल गछिया को लेकर भी चर्चा थी, लेकिन वहां पर बीजेपी ने शिवाजी सिन्हा राय को उम्मीदवार बना दिया है। यही वो सीट थी जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि मिथुन चक्रवर्ती यही से चुनाव मैदान में उतरेंगे। हालांकि बीजेपी के सूत्रों ने कहा था कि दक्षिण कोलकाता की प्रतिष्ठित सीट मिथुन चक्रवर्ती को दी जा सकती है। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैक डोर्सी ने अपने पहले ट्वीट का डिजिटल संस्करण 29 लाख अमेरिकी डॉलर में बेचा है। इससे 2 सप्ताह पहले उन्होंने अपनी पोस्ट की डिजिटल नीलामी करने की घोषणा भी की थी। मार्च 2006 में किए गए ट्वीट में डोर्सी ने लिखा था, जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर।